हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मित्रा पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक नए क्वेश्चन का नए टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। जब आपका कोई भी एग्जाम लोगे, नेक्स्ट सीएसएस का होने वाला है, सीजीएल, सीपीयू, कुछ भी वन डे एग्जाम हो जिसके अंदर के प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आता है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना। जिससे क्या होगा, हम कोई ऐसी नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ सकते हैं इसको। द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फोर आवर्स 8800 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस द सेम आर्टिकल फॉर आरएस ने, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द इट वाज सोल्ड फॉर आरएस 9600। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी है वो भी इसको पढ़ सकते हैं एक बार। 8800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ उसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, उसमें अगर इसे 9600 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसने बोला है कि 8800 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया। ठीक है, तो उससे कुछ उसको लाभ हुआ। फिर यदि उसने उसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा तो उसको कुछ हानि हुई, दोनों के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको मैं इसको बताता हूँ, उसका कंसेप्ट क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने मान लिया इसकी ये क्या सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर इससे इधर जाएगा तो उसको क्या कॉस्ट प्राइस इसके, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या होगा, इसको लॉस होगा। इधर कॉस्ट प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसने क्या बोला है, जब इसको क्या 8800 में बेचता है, ठीक है, 8800 में बेचता है तो उसको क्या उतना प्रॉफिट होता है। ठीक है, उतना क्या मैंने पी प्रॉफिट मान लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, उसको अगर 7200 में बेचता है, उसको 7200 में बेचता है तो उतना क्या लॉस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस है क्या 2P की वैल्यू होगी। ठीक है, डिफरेंस कितना है इसका 1600 है। ठीक है, 1600 कितना है 2P की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट था, ये क्या लॉस है, सॉरी लॉस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जो ये सेम है, दोनों सेम है, सेम है तो क्या हो गया, ये मतलब कुछ भी माली, मैंने 2 यूनिट माली। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब उसको 7200 में बेचता है ना तो उसको क्या 800 रुपये का लॉस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसमें 800 ऐड कर देता हूँ तो उसकी क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ना, मतलब क्या इस कॉस्ट प्राइस क्या उसकी 8000 रुपये। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको क्या मैं 9600 रुपये में बेच देता हूँ। ठीक है, 9600 में बेच देता हूँ तो मुझे इसका कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अगर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं, अगर पैसे में पूछा ना तो पैसे में कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में पूछा तो क्या करेंगे अपन, नीचे कितने 8000 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 से करेंगे तो 20% आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 20% अपना प्रॉफिट आ जाएगा, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अपन देख लेते हैं अपना ऑप्शन कौन सा होगा, अपना ए ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते आपका आया था CHSL का, इस बार पेपर हुआ था जो 21 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था। अब आगे पेपर होंगे ना, उनके अंदर एक है सेम रिपीट होने वाला है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप भी इस कंसेप्ट एक बार किए क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, जिससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स आपके लिए बहुत है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए टाइप के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।